महिलाओं को यूरिन में इन्फेक्शन, उनको जलन होती है, बारी बारी आता है, उनको तुपका तुपका गिरता है, रात को वो उठ के जाती हैं पेशाब के, पेशाब आता नहीं है, पेशाब पॉट पे बड़ी बहुत देर तक बैठी रहती हैं, कोशिश करती रहती हैं, जोर लगाती हैं, पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। अगर आपको ये सारे कारण हैं, इनमें से आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, और अगर आपको साल में 4 बार से ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन है और इमीडिएटली आपको इलाज कराना चाहिए, नहीं तो आप धीरे धीरे आपकी बॉडी ख़त्म होती चली जाएगी, आपके गुर्दों पे असर आना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम ये शुरू होती है हमारी सीट से, जिसके आप ऊपर बैठ के यूरिन करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 10 वो बड़े कारण जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन लेडीज़ को बारी बारी होती है, और कैसे वो आप इस प्रॉब्लम से निकल सकती हैं और इसको जड़ से ख़त्म कर सकती हैं, ताकि जो आपको प्रॉब्लम ये बारी बारी होती है वो नहीं होगी। यूरिन हमें समझना पड़ेगा, गुर्दे बनाते हैं वो नलकी के थ्रू यूरिन वाली थैली में आते हैं। यूरिन वाली थैली लेडीज़ में यूट्रस के आगे रहती है, बहुत ही नज़दीक होती है यूरिन की थैली, आगे यूरिन की थैली है, इधर बच्चेदानी का रास्ता है और फिर पॉटी का रास्ता होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ शुरू होती है, अगर लेडीज़ कम पानी पिएंगी तो गुर्दों में इन्फेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैडर है, जब ये फूल जाता है तो इसमें अगर इसमें जितनी भी गंदगी है जो सफाई करती है वो नहीं होगी, बिकॉज जो यूरेथ्रा होता है, जो पेशाब का रास्ता है, वो बहुत छोटा होता है, उसके आगे बच्चेदानी का रास्ता भी वहीं पे है, पॉटी वाला रास्ता भी वहीं पे है। अगर बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन है या पॉटी वाले रास्ते में कोई इन्फेक्शन है, तो वो यूरिन वाले रास्ते की इन्फेक्शन बड़ी जल्दी कॉज कर देती है, और ये लेडीज़ में आदमियों के ऑलमोस्ट डबल होती है, बिकॉज आदमियों का रास्ता लंबा होता है और लेडीज़ का रास्ता छोटा होता है। और जब भी आपको यूट्रस में यूरिन में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपको ये रूल आउट करना है कि आपकी यूट्रस में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरी बात, लेडीज़ को प्रेगनेंसी होती है, बच्चेदानी बड़ी होती है, तो पेशाब वाले रास्ते पे जोर डालती है, और दूसरी बात, उनके जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं तो जो अंदर की लाइनिंग है वो कमज़ोर हो जाती है, प्लस उनकी डिलीवरी होती है, उनको या तो पोस्ट डिलीवरी भी इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि वो पानी कम पीती हैं। तो ये जितने कारण हैं, एक सबसे बड़े कारण ये इन्फेक्शन के हैं, और सबसे सबसे बड़ा कारण है सीड्स जो शुरू होता है हाइजीन, वो मैं बताती हूँ क्यों होता है। लेडीज़ को कई बार पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ता है, जो सीट के कवर होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, उनमें बहुत बैक्टीरिया होता है, इसलिए अपने पर्स में हमेशा एक अखबार रखिए, उस अखबार को साइड से काट लीजिए, और जब भी आप यूरिन करने बैठें तो उसके ऊपर इसको रखें और फिर बैठें। अगर आपके पास ये नहीं है तो एक सीट सैनिटाइज़र भी आता है, उसको आप सीट के ऊपर डाल सकती हैं और एक टिश्यू पेपर से साफ करके फिर ही बैठें। और जब भी आप यूज़ करें जेट को, जेट की डायरेक्शन पीछे से लेके आगे होती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है यूरिन इन्फेक्शन का। आपको यूज़ करना चाहिए तो आपको एक शावर लगवाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है, अगर आप जेट यूज़ करती हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी पेशाब वाली जगह पॉटी वाले पानी से साफ मिक्स ना हो। आपको जब भी पॉटी और पेशाब वाली जगह साफ़ करनी है तो आपने सफाई आगे से पीछे करनी है, ना कि पीछे से आगे। तीसरी बात, पेशाब वाली जगह को लेडीज सुखाती नहीं है, जिससे वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करता है, तो उनको खारिश रहने लग जाती है। जब वो खारिश करती है, उनके नाखून लंबे होते हैं कई बार, तो सारे बैक्टीरिया वायरस नाखूनों में फंस जाते हैं, तो इसकी इन्फेक्शन जब भी वो इस जगह को साफ़ करती हैं तो बारी बारी इन्फेक्शन अपने आप को खुद पैदा करती हैं। तो उनको हमेशा एक टिशू पेपर रखना चाहिए, और उसके लिए पेशाब वाली जगह को आगे अलग टिशू पेपर से साफ करना है, और पॉटी वाली जगह को अलग टिशू पेपर से साफ करना है, और हमेशा नीचे वाली जगह को सुखा के रखना है। इसके अलावा जो कारण है इन्फेक्शन होने के, जब आपकी शुगर अगर बढ़ी हुई होगी तो आपको यूरिन में इन्फेक्शन बारी बारी होगी, बिकॉज जो बैक्टीरिया है जो बच्चेदानी के रास्ते में ग्रो करता है, वो बड़ी आराम से पेशाब वाले रास्ते से जाके वो ऊपर निकल जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी शुगर भी कंट्रोल्ड हो। और कई बार क्या होता है कि लेडी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो रात को सो नहीं पाती, बारी बारी वो पेशाब करने जाती है, तो कई बार प्रॉब्लम दिमाग से शुरू होती है, और प्रॉब्लम डॉक्टर्स नीचे ढूंढते रहते हैं। तो अगर लेडी को कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें यूरिन का वो इन्फेक्शन का कारण नहीं ढूंढ पा रहे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप यूरिन की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। तो अब ये जो मैंने मुख्य कारण बताए हैं, वो आपका हाइजीन है,
आपका पानी का इनटेक कम होता है, आपके अंदर बच्चेदानी में कोई रसौली है, आपको प्रेगनेंसी है, बच्चा होने के बाद है, आपको डायबिटीज़ है, या आपने कोई नीचे कोई सर्जरी हुई है, तब भी आपको ये यूरिन में इन्फेक्शन हो जाएगी। इन सब कारणों से अगर आप बचने जाती हैं, अगर यूरिन की जब भी इन्फेक्शन होती है तो आपको ये चाहिए कि आप एक बार इलाज कराने के बाद उसकी जड़ अवश्य खत्म करें। जड़ कहाँ पे है? संभोग करने के बाद आप पेशाब वाली जगह को धोएं और प्लस उस जगह को सुखाएं, बिकॉज सबसे ज़्यादा यूरिन की इन्फेक्शन संभोग करने के बाद होती है लेडीज़ को। और अगर आपको यूट्रस में इन्फेक्शन है तो आप अपने हस्बैंड का इलाज अवश्य कराएं, ताकि आप दोनों इन्फेक्शन से मुक्त रहेंगे, तभी बारी बारी संभोग करने से दूसरे को बीमार नहीं करेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, जो अखबार यूज़ करना है, टिश्यू ड्राई करना है, और फिर आप नारियल का तेल लगा सकती हैं, जो आपको वहाँ पे एरिया को, वहाँ पे जो बैक्टीरिया वायरस को, फंगस को ग्रो नहीं करने देगा। इसके अलावा आपको क्रैनबेरी का जूस, विटामिन सी लेना है, आंवला आपके लिए बहुत अच्छा है, एलोवेरा का जूस आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपने पानी पीना है कम से कम 3 से 4 लीटर। अगर आप पानी, ये आपके लिए अमृत है, बिकॉज ये कीचड़ को इस पानी से ही धोया जा सकता है। जितना आप पानी कम पियेंगी उतनी बारी बारी आपको यूरिन की इन्फेक्शन होगी। कई बार आपके गुर्दे में पथरी हो जाती है या रास्ते में रुकावट होती है, रास्ते में रुकावट होगी तब भी आपको यूरिन में इन्फेक्शन होगी। कई बार क्या होता है कि जो यूट्रस का यहाँ पे मुंह होता है, जो बच्चे जो पेशाब के रास्ते का यूरेथ्रा होता है, वो टाइट होता है, तो जब आप पेशाब करती हैं, आपको जोर लगाती हैं, जितना आप जोर लगाती हैं उतना पेशाब कम निकलता है। इसका मतलब पेशाब का रास्ता टाइट है। और प्लस बारी बारी जब इन्फेक्शन होती है तो इस चीज़ को डॉक्टर को जरूर दिखाइए कि पेशाब का रास्ता टाइट तो नहीं हो गया। उसको खोलने से जब पानी जो रह जाता है बीच में पेशाब का, तो उससे आपको यूरिन की जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पेशाब, अगर पेशाब की थैली में ज़्यादा देर रहेगा तो आपको इन्फेक्शन होगी। और जब भी आपको पेशाब आए तो आप इंतज़ार मत करिए जगह ना हो, बिकॉज ज़्यादा पेशाब ज़्यादा भर जाएगा तो दीवार कई बार पतली हो जाती है और वो डैमेज हो जाती है। तो पेशाब जब भी आए तो मेक श्योर कि आप पेशाब करने चली जाएं, ज़्यादा देर रोके नहीं उसको। इसके अलावा पेशाब की थैली को खाली करने, कई बार क्या होता है खाली होती भी नहीं है, क्योंकि पेशाब का जो रस्ते का मुंह होता है वो टाइट होता है, वो आपको नहीं पता चलता, वो डॉक्टर को आप दिखाओगे, वो आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे पेशाब खत्म होने करने के बाद, जिससे जो बचा हुआ पेशाब अगर ज़्यादा होगा तो आपको पेशाब में प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और होती है लेडीज़ को, कि जो उनकी जो पेशाब की थैली है, उनको जब भी थोड़ी देर में उनका दिल करेगा मैं पेशाब करूं, लेकिन आता पेशाब थोड़ा नहीं है। कम से कम 2 से 3 घंटे पेशेंट को पेशाब नहीं आना चाहिए। अगर उनको लगता है मेरे को हर 10 मिनट में पेशाब आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहीं हो रहा है, उसका इलाज करवाना चाहिए। अगर इन्फेक्शन है तो यूरिन कल्चर करवा कर ही वो एंटीबायोटिक खाना चाहिए जिसकी वजह से इन्फेक्शन है। क्रैनबेरी का जूस है जो आपके इन्फेक्शन में आपकी हेल्प करेगा। प्लस अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो तब भी, क्योंकि पॉटी वाली जगह पेशाब वाली जगह के बिल्कुल पास होती है, तो वहाँ से भी आपको उसकी प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज आप बारी बारी अगर पॉटी वाली जगह खुजाएंगी तो वो इन्फेक्शन पेशाब वाली जगह पे भी रहेगी। तो ये जितने भी ये तरीके हैं, अगर आप इन सावधानियाँ बरतेंगी, अपनी शुगर को कंट्रोल रखेंगी, पानी ज़्यादा पिएंगी, और इन्फेक्शन दोनों हस्बैंड वाइफ का ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट लंबा चलता है, कई बार आपको 6 महीने तक बड़ी लो डोज के लिए दवाई खानी पड़ती है, ताकि जो आपकी क्रॉनिक इन्फेक्शन है, जो जैसे मैंने बताया साल में 4 बार एपिसोड हो जाए या 6 महीने में 2 बार एपिसोड हो जाए, तो उसका आपको इलाज करवाना चाहिए। अगर ये सारे इलाज आप कराती हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है यूरिन की वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आप बारी बारी बीमार नहीं पड़ेंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कंसल्टेशन आप डॉक्टर सोनम से ले सकते हैं। इस नंबर पे आप डायल कर सकते हैं करनाल प्लस पे। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से लेडीज़ की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, यूरिन से रिलेटेड हो, बच्चेदानी से रिलेटेड हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इलाज के बारे में, तो आप मुझसे एक पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से।